क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। पेज 106 अकॉर्डिंग टू रैशनलाइज एनसीईआरटी बुक 2023-24 का क्वेश्चन नंबर 3.7। डिटरमिन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क। ये सर्किट दिया हुआ है हमें, रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं, सभी ब्रांचों में करंट निकालना है। जैसे I1, I2, I3 निकालेंगे, ये I3 और I टोटल करंट जो फ्लो कर रहा है। तो ये सर्किट है, इसमें हम किरचॉफ लॉ लगाएंगे, तीन लूप्स लेंगे। लो जी, किरचॉफ सेकंड लॉ लगाएंगे। इट स्टेट्स दैट इन एनी क्लोज पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंसेस एंड करंट्स फ्लोइंग थ्रू द देम। रेजिस्टेंस और करंट को मल्टीप्लाई करके उनका अलजेब्रिक सम करेंगे, वो किसके बराबर होगा, ईएमएफ के, जो बैटरीज लगी होंगी ना उसके बराबर होगा, उसकी ईएमएफ के इक्वल होगा। लो देखते हैं कैसे। लो इसे क्लॉकवाइज लगा लेते हैं, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ये करंट I1 है, जहां जब करंट एंटर करेगा तो दो भागों में बंट गया, I1 एंड I2। अब करंट जहां पहुंचा, जहां I3 इधर चला गया, तो इधर कितना रह जाना, I1 माइनस I3 इस डायरेक्शन में, बी के सी में, BD में I3 हो गया ना। अब ये करंट जब नीचे जाएगा AD की तरफ, जी I2 जा रहा है, I3 इसके साथ रल गया, तो ये कितना बन जाएगा, DC की तरफ हो गया I2 प्लस I3। अब C पर पहुंचा करंट, तो ये फिर सारे करंट जब इकट्ठे होंगे तो कितना बन जाना, I1 प्लस I2। I1 प्लस I2 को हमने कितना माना हुआ है, I के बराबर, टोटल के बराबर। लो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इन अ क्लोज्ड लूप ABDA, ABDA ये लूप ले ली, जहां किरचॉफ लॉ लगाते हैं। लो 10 I1 प्लस, अब डायरेक्शन जरा ध्यान से रखनी है, डायरेक्शन ऐसे ही है ना चल रही है अभी, प्लस 5 I3। अब जहां डायरेक्शन उल्ट गई, ये करंट नीचे की तरफ जा रहा है, अब जहां डायरेक्शन चेंज होगी तो माइनस लगाएंगे, माइनस 5 I2 इज इक्वल टू 0, टोटल 0 क्योंकि बैटरी तो बीच में है नहीं। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5, 2 I1 प्लस I3 माइनस I2 इक्वल टू 0 से एक नंबर डाल लो। अब इन क्लोज लूप BCDB जे लूप ले लेते हैं, ये भी क्लॉकवाइज ही है, 5 I1 माइनस I3 करंट से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस, जहां माइनस आना क्योंकि करंट की डायरेक्शन इधर है ना, तो इसलिए जहां माइनस आएगा, माइनस 10 I2 प्लस I3 करंट है, ये भी माइनस आना क्योंकि करंट नीचे की तरफ, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, माइनस 5 I3 उल्ट दिशा में जा रहे हैं, तो टोटल तो 0 ही आना क्योंकि कोई सेल नहीं इसमें, इनका अलजेब्रिक सम 0 के बराबर। इसे 5 से डिवाइड कर लेते हैं, इजी हो जाएगा, I1 माइनस I3 माइनस 5 × 10 2I प्लस I3 माइनस 5 कट जाना, I3 रह गया इक्वल टू 0। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, जो ब्रैकेट मैंने खोल दिया इसको सिंप्लीफाई किया, ये बन गया I1 माइनस 2I2 माइनस 4I3 इज इक्वल टू 0, इसे 2 नंबर डाल लो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। अब इन क्लोज्ड लूप ADCEFA ये वाली लूप ले ली, इसे भी क्लॉकवाइज ले लिया। लो जहां से चल पड़ते हैं, 5I2 AD प्लस ए पोटेंशियल डिफरेंस ए है, हम गुणा कर रहे हैं रेजिस्टेंस को करंट के साथ, यही किरचॉफ लॉ, प्लस जहां करंट I2 प्लस I3 मल्टीप्लाई किसे करना है, 10 के साथ, आगे 10 I जहां I करंट चल रहा है ना, I को कितना लिख सकते हैं, I1 प्लस I2, तो इसलिए मैंने जहां I को I1 प्लस I2 लिख दिया, बिकॉज I इक्वल टू I1 प्लस I2 इक्वल टू 10 क्योंकि बैटरी 10 वोल्ट की लगी हुई है ना, इसलिए इक्वल टू 10 आ गया। इसे भी 5 से डिवाइड करते हैं दोनों साइडों को, I2 प्लस 2 I2 प्लस I3 ब्रैकेट में प्लस 2 I1 प्लस I2 ब्रैकेट में इक्वल टू 5 × 10 2 आ गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 2 I1 प्लस 5 I2 प्लस 2 I3 इज इक्वल टू 2, 3 नंबर। अब हमारे पास 3 इक्वेशंस बन गई, 1 2 3। अब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, पहले I1 को खत्म कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग 2 बाय 2।
और टू वन इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे वन, और ये जो मल्टीप्लाई करके आएगी इक्वेशन, तो इसको टू से मल्टीप्लाई कर दिया किसको, जो टू वाली है ये वाली, ये बन गया टू आई वन माइनस टू, दो दूनी चार, 4i2 माइनस टू, 4 जा 6 8, 8 माइनस 8 i3 इक्वल टू 0, इसे नंबर 4 डाल लो। अब हमारे पास वन आ गई, ये 3 ले लेंगे 4 ले लेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। अब सब्ट्रैक्टिंग वन एंड फोर, वन और फोर को जब सब्ट्रैक्ट करोगे ना आप, तो ये 2i1 खत्म हो जाएगा, ये 2i1 खत्म हो जाएगा। लो 2i1 प्लस i3, ये मैंने पहले ये लिखा 2i1 प्लस i3 और ऊपर वाला माइनस i2, माइनस i2 माइनस, अब इसको लिखेंगे 4 को माइनस, ब्रैकेट में साइन चेंज होते हैं ना, 2i1 माइनस 4i2 माइनस 8i3 इक्वल टू 0। अब इनको ब्रैकेट खोल के सिंपलीफाई कर लो, जो 2i1 माइनस 2i1 कट गया, ये आ गया 3i2 प्लस 9i3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से 3 कॉमन निकाल लो, i2 प्लस 3i3 इज इक्वल टू 0, 3 तो 0 होना नहीं, ये 0 होगी वैल्यू, i2 प्लस 3i3 इज इक्वल टू 0, i2 इज इक्वल टू आ गया -3i3, इसको दूसरी तरफ ले जाओ, इसे नंबर 5 डाल लो। सब्ट्रैक्टिंग 3 एंड 4, ये 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे, इसमें भी 2i1 खत्म हो जाएगा। लो कैसे, 2i1 वही 3 वाली रकम लिख लो, 2i1 प्लस 5i2 प्लस 2i3 माइनस, माइनस आगे 4 है आ वाली रकम, माइनस 2i1 माइनस 4i2 माइनस 8i3, ये ब्रैकेट में डाल दी, इज इक्वल टू 2 माइनस 0, इधर 2 भी है ना 0 भी है, 2 माइनस 0, ब्रैकेट खोलोगे 2i1 से 2i1 कट गया, ये बन गया 9i2 प्लस 10i3 इज इक्वल टू 2, ये इसे 6 नंबर डाल लो। लो आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई टू फ्रॉम 5, 5 से किस में डालनी है, 6 में, i2 की वैल्यू जहां पुट कर दो, ये -3i3 है, 9 × -3i3 +10i3 इज इक्वल टू 2, 9 × 27 -27i3 +10i3 इज इक्वल टू 2, ये i3 की वैल्यू आ गई -2/17। करंट थ्रू BD i3 इज इक्वल टू -2/17 एम्पियर चलेगा, तो BD में ये BD i3 है ना, इसमें कितना करंट चल रहा, -2/17 एम्पियर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ i3 इन 5, ये i3 की वैल्यू 5 में पुट कर दो, i2 इज इक्वल टू -3 × -2/17, माइनस माइनस कट गया 6/17। करंट थ्रू AD इज इक्वल टू i2 इज इक्वल टू 6/17 एम्पियर, तो जो करंट AD में चलेगा इधर कितना चलेगा, A से D की तरफ i2 है 6/17 एम्पियर। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ i2 एंड i3 इन 1, i2 और i3 की वैल्यूज इसमें एक में डालो जो निकाली हमने, तो ये वैल्यू जब हम जहां डालेंगे, ये बन गया 2i1 प्लस, आगे है मेरे पास वैल्यू i3 है -2/17, आगे -i2 है जहां, तो कितनी बन गई -6/17 इक्वल टू 0, इसे सिंप्लीफाई कर लो आप, दूसरी तरफ ले जाओ प्लस बन जाने दोनों, एलसीएम ले लो 8/17, दो नीचे ले जाओ, i1 इज इक्वल टू आ गया, काट दो साथ में 4/17, करंट थ्रू AB इज इक्वल टू i1 आ गया 4/17 एम्पियर। ये मतलब AB में जो करंट चल रहा है कितना चल रहा है, A से B की तरफ i1 है जो, वो उसकी वैल्यू है 4/17। अब टोटल करंट भी निकालना, जहां ये इधर चल रहा है ना i1 ते i2 को जमा कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, टोटल करंट इज इक्वल टू i1 प्लस i2, i1 4/17, i2 हमने निकाला 6/17 एम्पियर, इनको ऐड कर दिया 4 जमा 6/17, 10/17 एम्पियर आ गया जो टोटल करंट है, जो सभी करंट हमने निकाल लिए।